हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पवन कुमार गुप्ता। वेलकम टू कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। ऑल ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सर्किल। ठीक है, आज हम लोग सर्किल के बारे में चर्चा करेंगे। सर्किल होता क्या है, सर्किल की डिफिनेशन क्या है, सर्किल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो क्लास 10th चैप्टर 10th सर्कल, आज हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्किल है क्या। ठीक है, व्हाट इज सर्कल? किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस को लेकर के एक पाथ जो बने, ठीक है, पॉइंट को मिला करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। सपोज करो, देखो जैसे मैं एक सर्कल ड्रा करने जा रहा हूं, सीधी सी बात है, रुमाल से, है ना, कहते हैं रुमाल को मैंने फिक्स कर दिया और एक फिक्स डिस्टेंस हो गई। क्या हो गई? एक फिक्स डिस्टेंस हो गई। अब फिक्स डिस्टेंस को लेकर के, है ना, फिक्स डिस्टेंस से लेकर के ऐसे हम लोग अभी हिल जा रहा है। अगर ये ऑपरेटर से बनते हैं, कंपास से, तब बहुत बढ़िया बनता। समझ आ गया होगा कि किसी फिक्स पॉइंट से इसको हम लोग अब रेयर हैंड से बनाएंगे बिना किसी के हेल्प के थ्रू। तो सर्कल क्या हो जाएगा आपका, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, यहां पर एक फिक्स पॉइंट होगा। इस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर कहते हैं। और डिफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सर्कल लीजिएगा ए प्लेन, जैसे ये प्लेन है तो ये पॉइंट्स, ये सारे देखो ये पॉइंट्स होते हैं ना, ये सारे पॉइंट ही तो हैं, इन्हीं को मिला करके आर प्लेन व्हिच आर। अब देखो ये फिक्स पॉइंट हो गया। अब यहां से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे, है ना, जैसे भी रुमाल का एग्जांपल मैंने लिया था, कर चुका, कि एक फिक्स डिस्टेंस ने लिया और उसे हमने चारों तरफ घुमा दिया। ठीक, घुमाने पर एक पाथ मिला ना, पाथ की देखो ये आपने ये पूरा एक पाथ मिला, इसी पाथ को हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान सा भी है सर्कल का, है ना। तो सर्कल में और क्या चीज, ये तो हो गई आपकी डिफिनेशन। अब यहां से देखो, जो फिक्स पॉइंट होता है, दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या होता है, सेंटर। ठीक है, और यहां से क्या बात की गई है, क्या 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 कांस्टेंट डिस्टेंस है ना। तो यहां पर पॉइंट ओ है। अब यहां से ये कांस्टेंट डिस्टेंस जो है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, इज नोन एज रेडियस। रेडियस, ठीक है, तो आपको रेडियस के बारे में मालूम चल गया, सेंटर के बारे में मालूम चल गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह आसान है ही। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सेंटर के बारे में हो गया, सर्कल और रेडियस। अब हम लोग चलते हैं इसकी सर्कमफेरेंस पर। ठीक है, सर्कमफेरेंस, देखो सर्कमफेरेंस को नॉर्मली पेरीमीटर के भी नाम से भी जाना जाता है। पेरीमीटर सर्कल का जो होता है उसको सर्कमफेरेंस नाम देते हैं। नॉर्मली पेरीमीटर क्या होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ को, अगर हम टोटल लेंथ को मेजरमेंट कर लेते हैं तो उससे क्या होती है, पेरीमीटर, ना। तो यहां पर जब सर्कल बनाया गया होगा, अगर हम सर्कल को ब्रेक करें, सपोज करो सर्कल को यहां से मिटा के इसको फैला दें, तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं बनेगी, है ना। एक सर्कल को अगर हम यहां से ब्रेक कर दें, काट के इस तार को खोल दें, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं बनेगी। अगर हम इसको लेंथ कर लें, मेजर कर लें, यानी ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही तो बोलेंगे पेरीमीटर। इस डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरीमीटर, और इसी पेरीमीटर को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। इट मींस सर्कल का ये जो यहां से लेकर के पूरा पाथ जो है, ये घूम करके यहां से यहां तक आया है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस।
क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस बोलते हैं। और यह होता है आपका सरकमफेरेंस किसी भी सर्किल का 2 पाई आर होता है। खैर इसके भी यहां जरूरत नहीं है, क्लास इस चैप्टर में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सरकमफेरेंस पता होना चाहिए होता क्या है। तो ये पेरीमीटर होता है, लेंथ ऑफ आउटर साइड ऑफ फिगर, ठीक है ना, इस फिगर का। तो सरकमफेरेंस के बाद क्या आता है आपका, कुछ चीजें हैं हम लोग बोलते हैं आर्क, आर्क की बात करते हैं। एक सर्कल है, सर्कल में अगर पीस कर दें इसको, हम दो भागों में टूट दें, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, कोई छोटा सा लेते हैं, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो यहां से यहां तक का जो ये आर्क होता है, ये है, इसके आर्क कहते हैं, डिस्टेंस होती है, ये बोलते हैं आर्क। क्या होता है? आर्क, आर्क ए बी। तो ये आपका ऐसे कुछ बनता है ना, रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, आर्क ए बी, इसे बोलते हैं आर्क। इसे क्या होता है? पीस ऑफ पी आई ई सी ई, पीस ऑफ सर्कल को बोलते हैं आर्क। क्या होते हैं? आर्क। तो आर्क हो गया ये। अब आर्क में ध्यान से देखो, एक ये छोटा आर्क है, सर्कल तो बड़ा है ना भाई, किसी भी चीज को, इसे एक लाइन था, लाइन था, तो लाइन को हम लोग तो ब्रेक करते थे, यानी यहां से ये ब्रेक किया, तो ये क्या कहलाता था? लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो गया? सर्कल सेगमेंट। ये क्या हो गया? आर्क मतलब क्या हो गया? सर्कल सेगमेंट है ना, सर्कल के पीस, सर्कल सेगमेंट या सर्कल की पीस, तो आर्क हो गया। तो ये लेंथ आर्क हो गई आपकी, है ना। तो ये आर्क पूरे सर्कल में छोटा सा है ना, जब छोटा होता है बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ा होता है इसको यहां से बोलेंगे माइनर, मतलब छोटा होता है ना, माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क, ठीक है। आर्क के बारे में हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कुछ और चीजें जानकारी लेते हैं आपके सर्कल में, सर्कल में और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखो सर्कल बहुत ही आसान है, और अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो मान के चलो सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप इतने इजी वे में करोगे, इतने इजी वे में करोगे, तो जैसे लग रहा है कि हम लोग जूनियर क्लासेस के नंबर का एडिशन या वो फिगर को से पढ़ रहे हैं उसके ना, क्या क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कॉर्ड की। ये कॉर्ड क्या है? कॉर्ड क्या है? सर्कल है, सर्कल को सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को, एट एनी टू पॉइंट को ज्वाइन जब करते हैं, तो ये सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये जो पॉइंट है ए और बी, इसको ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। एक कॉर्ड क्या करता है? सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो टू पार्ट में भी यहां जब डिवाइड करता है, तो यहां पर फॉर्म होता है सेगमेंट। क्या फॉर्म होता है? सेगमेंट, सेगमेंट फॉर्म होता है। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। बड़ा वाला क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। समझ आ गया? छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट, ठीक है। अगर यही कॉर्ड जो है सेंटर से पास हो जाए, क्या यही कॉर्ड जो है, ये मान लो सेंटर है ना, यही कॉर्ड जो है आपका सेंटर से पास होती है जब ए ओ बी, तो ये क्या कर दिया आपको? सेंटर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। नहीं भाई, बराबर गया बीचों बीच से, जब बीचों बीच से गया तो इसको क्या किया, बराबर भाग में बांट दिया, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल, हिंदी बोलते हैं अर्धवृत्त, है ना, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज नोन एज डायमीटर। क्या होते हैं? डायमीटर कहते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है भाई, कॉर्ड ये भी तो है, ये भी कॉर्ड है आपका, ये भी कॉर्ड है आपका, ये भी कॉर्ड है, सारे कॉर्ड ही हैं, समझा ना, ये सेंटर पास हो गई, तो सबसे बड़ी कॉर्ड तो यही होगी, और इसी कॉर्ड को हम लोग डायमीटर कहते हैं। समझा क्या? जो सेंटर से पास होकर जाती है सबसे बड़ी होगी,
ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो आपकी हो जाएगी उसको हम लोग डायमीटर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये सेमी सर्कल आपका हो ही गया, ठीक है। यहां पे फिर ध्यान देंगे, आपको मालूम था रेडियस के बारे में बताया गया था, जो फिक्स डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, जो फिक्स डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। तो यहां पर ओ बी क्या हो जाएगा, रेडियस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए क्या है ये भी आपका रेडियस ही है। तो डायामीटर क्या है, डायामीटर ए बी है ना, डाया मीटर ए बी है कि नहीं है। डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी को लिख सकते हैं एओ प्लस ओ बी, एओ आर है और ओ बी भी आर है, तो आर आर मिलके टू आर हो गया। तो डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायामीटर जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, या फिर हम कह सकते हैं आर बराबर क्या होता है, रेडियस जो होता है वो डायामीटर का टू होता है, हाफ होता है, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है। ये रिलेशन भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत भी कहीं ना कहीं हमें आगे पढ़ने वाली है। बेसिक से बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिए। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई तो आपका 10 एक्सरसाइज जो है चैप्टर 10 बहुत ही आसानी से खत्म होगा और बड़े मजे से, है ना। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्या क्या हो गया भाई, देखो क्या क्या अभी मैंने पढ़ा। सर्कल में हमने पढ़ा सेंटर, रेडियस और सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के बाद कॉर्ड, सेगमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर। चलो यहां पर सेक्टर भी हो गया। सेक्टर क्या होता है, देखो ये क्या है आपका सर्कल है। सर्कल में ये एक आर्क है जिसकी लेंथ ए बी है, आर्क टू पॉइंट है, ये आर्क ए बी टू पॉइंट पे है। अगर इस आर्क के एंड पॉइंट को, आर्क का एंड पॉइंट ए है और बी है, और ये क्या है इसका सेंटर, सेंटर ओ है, अगर हम ए ओ और ओ बी को ज्वाइन कर दें, मिला दें, तो हमें कुछ रीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, कुछ रीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस रीजन को बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको सेक्टर। छोटा है इसलिए माइनर, ये बड़ा हो जाएगा तो हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर हो गया। समझ नहीं आया, तो रेडियस आप ये भी कह सकते हो उसके टू रेडियस के थ्रू सेंटर सर्कल में जो रीजन आपका घेरा जाता है उसको भी हम लोग कहते हैं सेक्टर। सर्कल को टू रेडियस के थ्रू, है ना, दो रेडियस है ये, इन दो रेडियस की सहायता से ये जो रीजन हमें मिला है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो यहां पे माइनर और मेजर हो गया। अच्छा ये आर्क अभी मैंने बोला इन पॉइंट आर्क, तो यहां पे भी हो सकता है ना, ऐसे एक पॉइंट यहां लिए, एक सेंटर है, एक ये ले लिए, भाई आर्क ये भी तो है, नहीं है आर्क, आर्क ये भी है, अगर हम इसको बना दें ये भी रेडियस है, इसको बना दें ये भी रेडियस है, तो ये बीचों बीच से यानी पूरा वही वाला सेगमेंट जिससे पहले हमने बताया था, सेगमेंट में मीन्स जो बीचों बीच डायमीटर से आर्क जा रहा था, पास हो रहा था कॉर्ड, कॉर्ड जो डायमीटर से पास हो रहा था तो क्या बन गया था सेमी सर्कल। तो यहां पर भी तो बनेगा वही चीज सेमी सर्कल, यहां पर क्या हो जाएगा सेमी सर्कल बन जाएगा। तो हमने यहां पर सेक्टर की बात भी कर ली। अच्छा यहां सेमी सर्कल भी छूट गया था, सेमी सर्कल के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ थ्योरम से सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। देखो बेसिक चीजें जो थी ये आपके सर्कल में, रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस हो गया, डायमीटर हो गया, कॉर्ड हो गया, सेगमेंट है, सेक्टर है, ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये आपको तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ पुरानी चीजें जो क्लास नाइन्थ में या कभी भी आपने पढ़ा हो, बैक मतलब इनिशियल चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। अब देखो कौन कौन से थ्योरम्स हैं, कुछ बेसिक थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम क्या है, ध्यान से रखेंगे, इसकी बात अभी हम यहां नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे इतना पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग यहां पढ़ रहे हैं थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम क्या है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, और भी कह सकते हो और वाइस वर्सा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जानो, थ्योरम यहां प्रूफ नहीं करना है,
ठीक है, यहां हम उस थ्योरम के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। भैया अगर आप अच्छी तरीके समझ गए ना तो मान के चलो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। आप विदाउट पेपर पेन केवल फिगर को देख करके ही है ना समझ जाओगे, अरे सर इसका ये होगा इसका ये होगा। ऐसे जैसे आपको टीचर जब आप पूछने जाते हो कभी, सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो सर पूरा पेपर नहीं बताते हैं, क्वेश्चन नहीं बताएंगे, समझाएंगे। देखो डा ये क्या है सर्कल, ये क्या है रेडियस, ये क्या है डायमीटर, ये क्या है कॉर्ड, अच्छा ये कॉर्ड है क्या हुआ बताइए क्या थ्योरम है। आप आसानी से सर आपको बता देते हैं, आप ये सर करते जाए तो आसानी से आ जाता है। वही क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए, वही सर वाली क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए, बहुत आसानी से आएगा। तो यहां पर इसको प्रूफ आप पीछे कर चुके हो, थोड़ा सा यहां पर हम लोग इसको रिमाइंड कर रहे हैं। तो क्या है भाई देखो इक्वल कार्ड्स, अब ध्यान देखो यहां पर एक क्या है सर्कल है ना, एक क्या है सर्कल है सेंटर है, कह रहे हैं इक्वल कार्ड्स। अब दो कार्ड ले लूं, एक कार्ड ये ले लिया एक कार्ड ये ले लिया, दोनों इक्वल है यानी यहां पर ए बी सी डी, यहां क्या है इफ ए बी इक्वल टू सी डी यानी ये दोनों कार्ड इक्वल है। सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर, अच्छा ये सेंटर पर ये एंगल फॉर्म करेंगे, ये तो ओ ले लो ना और ये यहां पर, तो एंगल ये दोनों फॉर्म हो रहे हैं ठीक है, एंगल वन एंगल टू या एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, तो यहां क्या हो गया देन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। प्रूफ जरूरत नहीं है अभी, अभी आपको केवल इतना जरूरत जानना है कि अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम होगी, और अगर प्रूफ भी करना चाहते हैं तो दोनों ट्रायंगल ले लो और ये रेडियस आपके सेम होते हैं और ये पहले से दिया हुआ है, दोनों ट्रायंगल आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी के थ्रू आपका यह एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा और आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। इसी का उल्टा वाइस वर्सा क्या कहता है, अगर कोई दो ट्रायंगल बने हैं आर के थ्रू ठीक है कॉर्ड के थ्रू, कॉर्ड के थ्रू एंगल फॉर्म हो रहे हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं यानी दूसरा क्या है इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपके कॉर्ड की लेंथ इक्वल होगी तो आपकी ए बी इक्वल टू सी डी होगा ठीक है ना, इतना समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थ्योरम टू की ओर, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल यानी बेसिक की बात हो रही है, अभी बेसिक की बात हो रही है, एडवांस की बात नहीं हो रही है ना, अभी बेसिक यानी आप लोग क्लास नाइन्थ या उससे पहले की चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी टेंथ वाला जब आएगा तो देखते हैं। देखो दूसरा है इसी तरीके इक्वल कॉर्ड्स, बहुत ही आसान है ये भी, करना क्या है कुछ नहीं, एक सर्कल थोड़ा छोटा हो गया कोई बात नहीं समझ में आ जाए, इक्वल कॉर्ड्स वही पुरानी चीज, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया ठीक सेंटर ए बी सी डी, यहां पर क्या है इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन, अच्छा कॉर्ड इक्वल है ए बी और सी डी इक्वल है आपस में, तब कह रहे हैं यार इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर ये है ना सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यानी ओ एम और ओ एन, ओ एम और ओ एन इक्वल हो गए देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये इक्वी डिस्टेंस हो गई आपकी ठीक है, परपेंडिकुलर जानने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस की बात हो रही है ठीक है, तो ये आपस में इक्वी डिस्टेंस होंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। इन द सेम वे अगर किसी सर्किल में ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है तो वो कॉर्ड भी आपस में इक्वल होंगे, द लेंथ ऑफ कॉर्ड आर इक्वल ठीक है। तो हमारी ये थ्योरम हो गई टू, अब हम लोग चलते हैं थ्योरम थ्री पर, परपेंडिकुलर ध्यान से देखिए, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा हो गया, बड़ा होने से कोई मतलब नहीं है, आप समझिए क्या कहना चाहता है, कहता है कि पर्टिकुलर ड्रॉन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, देखो एक सर्कल है सर्कल में सेंटर होगा और एक कॉर्ड ले लिया, ये हमने एक कॉर्ड ले ली ए बी और सेंटर है ओ, अगर हम इस सेंटर से ठीक है इस सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें ठीक है ओपी, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी ठीक है, इफ ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी देन, अगर ओपी परपेंडिकुलर ए बी है तो ये क्या करेगा
बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मींस AP इज इक्वल टू PB, ये दोनों लेंथ आपकी सेम हो जाएंगे। इसका प्रूफ आप पहले पढ़ चुके हो, प्रूफ भी करना चाहते हो तो दोनों को मिला दो, रेडियस सेम हो जाएंगी, ये कॉमन हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा, RHS से है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्वेंट हो जाएंगे, और कॉन्वेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यह साइड CPCT से इस साइड के इक्वल दिखा देंगे, और जब ये दोनों आपस में इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये P जो है AB को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, थ्योरम 4 क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड, देखो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, मजेदार, बहुत ही अच्छा थ्योरम है ये, इतना बढ़िया थ्योरम है कि इसकी सहायता से और दूसरे भी थ्योरम हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और थ्योरम जब भी आप तैयार कीजिए, कभी भी कोई भी आगे का बढ़े, तो आप उससे पहले का है ना, उससे रिलेटेड थ्योरम आप अच्छी तरह से तैयार कर लो। जब आप पुराना मतलब बेसिक याद रखोगे ना, हर थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जब भी प्रूफ करने चलते हैं तो कुछ न कुछ पुरानी चीजें हमें आती हैं साथ में, तो वो पुरानी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इट मीन जैसे आप क्लास 10th में आ गए हो तो 9th के चैप्टर के भी कुछ चीजें अच्छी तरीके से तैयार कर रखो, बहुत मजा आएगा। और मैथ से आसान कुछ है नहीं, आप कहोगे कि सर ज्योमेट्री वगैरह तो बहुत ईजी होती है, वाकई ईजी होती है, बहुत ईजी होती है, लोगों को पता नहीं क्यों टफ लगता है, कंसेप्ट क्लियर रखो ना तो सारी चीजें आसान है, बहुत आसान है। चलते हैं इसकी बात करते हैं। देखो भैया यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एक सर्कल है ये, ठीक है, एक सर्कल है ये, और यहां पर एक आर्क ले लिया, चलो दो पॉइंट ले लिया हमने, ए ओ बी आर्क ले लिया, और ये इसका सेंटर ओ है, आर्क हो गया। आर्क के थ्रू जो सेंटर एंगल बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये लो भाई, ये लो आर्क के थ्रू ये सेंटर बन रहा है, एंगल सेंटर पर एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इट एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट बच रहा ऊपर, माइनर के नहीं छोड़ दे, इधर की बात नहीं करेंगे, इधर की बात नहीं कर रहे हैं, माइनर की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना मेजर की बात हो रही है। इसके बाद आप कहीं भी पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये कहीं भी ले लो आप, ज्यादातर यहां लेने मजा आता है, देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत दिखता है, आप कहीं भी ले सकते हो, आप यहां भी ले सकते हो। तो चलो हम यहां पे लेते हैं, ए बी सी ले लिया, ये एंगल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ये बना, तो अगर ये एक्स है ना तो ये 2x होगा, ठीक है, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग। तो जो एंगल अदर बनेगा सेंटर का डबल होगा, देखो साहब लिखा ना सेंटर इज डबल, हम लोग हिंदी में मतलब जब हिंदी यूपी बोर्ड या जहां पे है, इस थ्योरम को बड़ा मजा आता था पढ़ाने में, क्यों, इसको हम लोग कद्दू कहते थे, कद्दू है ना, किद्दू या कद्दू कहते थे, का से केंद्र, द से दूना, केंद्र दूना होता था, क्या होता था, केंद्र केंद्र केंदू है ना, कद्दू, तो केंद्र दूना, कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल आपका वो ए सी बी, टू टाइम्स एंगल ए ओ बी, ये तो गलत हो गया, टू टाइम्स ये होगा, ठीक है, टू टाइम्स ये होगा, ये डबल होगा, मतलब ये एक्स है, ये 2x हो जाएगा, समझ आ रहा है, अगर ये एक्स है तो ए सी बी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। रुको इसको समझो पहले, यहां पर समझो क्या है, यहां पर हो जाएगा आपका एंगल ए ओ बी, ये एंगल 2x एंगल ए सी बी, ये चीज समझ आ गई, नहीं यार, सेंटर का एंगल डबल हो जाएगा, तो इक्वल दिखाने के लिए हमें इसको डबल करना पड़ेगा, ठीक, ओके। नाउ अब इसके बाद चलते हैं थ्योरम 5 पर, 5 इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल ये क्या हुआ, सेमी सर्कल हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा सेमी सर्कल कितना होता है, ये एंगल स्ट्रेट लाइन में ये एंगल कितने की होगी, ए ओ ओ बी, ये एंगल आपकी 180 डिग्री होगी, स्ट्रेट लाइन है, होगी, तो यहां से ये सेमी सर्कल में एंगल बना, ये एंगल, तो ये क्या होगा, 90 होगा, नहीं हो जाएगा, क्यों, अभी से मैंने पहले पढ़ा ना, केंद्र सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होता है वो अदर पार्ट का 2x होता है, ये 90 का डबल 180 है कि नहीं, कोई भी ले लो यहां से, ये भी आप ले सकते हो सीधे ऐसे, ये भी 90 होगा, यहां से ले लो,
यहां से ले लो, ये भी 90 होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को या इस थ्योरम को भी आप याद रखेंगे। नाउ इसके बाद एक और है आपका रिफ्लेक्स एंगल, सेम वही चीज पे है। जैसे आपका एक सर्कल टू, ये पॉइंट्स आर्क हो गया, सेंटर हो गया ये। अभी आपने देखा कि ये वाला एंगल जो था सेंटर पर जो एंगल फॉर्म हो रहा, अदर पार्ट्स में जो एंगल का जस्ट डबल होता था। अगर यही हमारा सेमी सर्कल पे होता था तो जो एंगल इन सेमी सर्कल जो बनता था 90 होता था। अगर अब माइनर सेगमेंट फॉर्म हो रहा, जैसे ये एंगल बन रहा हूं, ठीक है, माइनर सेगमेंट पे अगर फॉर्म हो रहा एंगल ए सी बी, तो यह क्या होगा, इसका डबल होगा। समझ आ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल का ये जो होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल डबल होगा। तो क्या लिख सकते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी ये जो होगा टू टाइम्स एंगल होगा ए सी बी का। याद रखेंगे ये आपका उसी बेस के, जैसे अभी हम लोग ने दोनों प्रॉपर्टी सीखी है, दोनों थ्योरम सीखी है, उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थ्योरम सिक्स पर। ये सारी पुरानी थ्योरम है, बेसिक है ना, हम लोग क्लास नाइन्थ में इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। नाउ सिक्स पे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखेंगे, ये सर्कल सेगमेंट क्या हो गया, एक कॉर्ड मिलाया तो ए बी, ये कॉर्ड हो गया, ये आपका माइनर सेगमेंट, पीछे आप जान चुके हो, और ये मेजर सेगमेंट। तो एंगल जो फॉर्म हो, जैसे एक एंगल ये बन रहा है इस सेगमेंट से, है ना, ये, और एक एंगल ये बन रहा है, ये ए बी सी और डी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, इट मीन्स एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। याद रखेंगे ये, इसे समझेंगे, सेम सेगमेंट पे जितने भी हैं, जितने भी बना लो, और भी बना सकते हो, और भी बना सकते हो, ठीक है, जितने भी एंगल लेंगे ये आपस में सारे एंगल सेम होंगे, ठीक है। नाउ सिक्स पे चलते हैं, हो गया सिक्स, सेवन पे चलते हैं। सेवन क्या है, सेवन है, ये भी अच्छा ही है, कॉन्साइक्लिक। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देखेंगे, एक सर्कल है ये, ठीक है, यह एक सर्कल हो गया, सेंटर हो गया। अब यहां पर टू पॉइंट्स जो हैं, है ना, इफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये देखो टू पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन करा दिया मैंने, सबटेंडेड इक्वल एंगल टू अदर पॉइंट्स, ये लो टू अदर पॉइंट में, ये तो पता ना इक्वल एंगल करेंगे, सेम टू एक अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ अ लाइन, उसके सेम साइड पर है, तो फोर पॉइंट्स मिला गया, ए मिला, बी मिला, सी मिला, सॉरी सीधर कर दो, और ये डी मिला, तो फोर पॉइंट्स हो गया सर्कल पे, और ये सर्कल पे ही तो लाई कर रहे हैं फोर पॉइंट्स, ठीक है, जब सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो इन चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक बोलते हैं, द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल दे आर कॉन्साइक्लिक। नाम याद रखिएगा, चार पॉइंट से कॉन्साइक्लिक बनता है, और इन्हीं चार पॉइंट से अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगला यही चीज है, अगला क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या होता है कि कोई भी सर्कल में हमारा जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करे और वो चारों पॉइंट जो है सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करें। फिर से समझो, कोई सर्कल है आपके पास और कोई एक क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस जो हैं, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करें, ए बी सी डी, तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसकी थ्योरम क्या कहती है कि एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इट मींस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री यानी अपोजिट साइड्स, और एंगल बी प्लस
एंगल डी, यानी ये दोनों एंगल का सम, ये भी 180 डिग्री होगा। तो यहां पे क्या कह सकते हो, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ये याद रखेंगे, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका, वो है कि देयर, इसको समझेंगे, अच्छा चीज है, आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ, इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर आपके पास एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर कितनी सर्किल ड्रा कर सकते हो, तो इस एक पॉइंट से एक सर्कल, दो सर्कल, है ना, सॉरी यहां से कर लेना चाहिए, तीन सर्कल, चार सर्कल, मतलब इस तरह से हम इसमें बहुत सारे सर्कल ड्रा कर सकते हैं, है ना। टू पॉइंट से कितने, टू पॉइंट से एक सर्कल, तो हमारा ऐसे ही चला जाएगा, सीधे सीधे ऐसे, है ना, एक सर्कल ये चला गया। तो इस तरह से सर्कल, आपका तो सर ये सर्कल दिख ही नहीं रहा, कुछ और बना दिया है, नहीं, आप जब ठीक से बनाओगे, कंपास लेकर के बनाओगे, तब भी बनाओगे तो सर्कल आपको एक पॉइंट से इन्फिनिट बहुत सारे सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं, टू पॉइंट पे एक से अधिक ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन थ्री पॉइंट से अगर कहा जाए ड्रा करने के लिए, तीनों पॉइंट टच होने चाहिए, तो इन तीनों पॉइंट से केवल और सिर्फ केवल वन सर्कल हम लोग ड्रा कर सकते हैं, यह चीज बताई जा रही है। देयर इज यूनिक सर्कल पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल, यूनिक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्लास टेंथ पर। क्लास टेंथ में क्या है उसको आइए समझते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, एक लाइन सेगमेंट है और एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, कौन कौन से रिलेशन बन सकते हैं, तो ध्यान से देखो, एक सर्कल और एक लाइन सेगमेंट क्या हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है। एक सर्कल इसको दो पॉइंट से काटते हुए निकल सकता है, एक कंडीशन ये हो सकती है, और एक सर्कल ये इसको किसी एक पॉइंट से टच करके निकल सकती है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां पर देखो थ्री कंडीशंस आ गई सर्कल और लाइन सेगमेंट को लेकर के। तो यहां पर जब लाइन इसको बात करते हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, नो ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा। यहां पर जब लाइन, कोई लाइन सेगमेंट सर्कल को टू पॉइंट पर काटते हुए निकल जाती है, तो इसको बोलते हैं सीकेंट, क्या होते हैं, सीकेंट, सीकेंट कहते हैं, ठीक है। जब कोई लाइन सर्कल को टू पॉइंट्स पे काटते हुए निकल जाए, इंटरसेप्ट करते हुए निकल जाए, तो इसको बोलते हैं सीकेंट। और सर कहोगे एक चीज और ध्यान देखिए, देखो अगर सर्कल है तो ये पॉइंट आपका कॉर्ड कहलाता है ना, कॉर्ड वाला पॉइंट जो होता है ये सर्कल पर होता है ऑन द बाउंड्री, और जो डिस्टेंस होती है वो इनसाइड होती है, अंदर होती है, ये डिस्टेंस ना होती है, लेकिन ये आपका बाहर काटते हुए निकल जाता है, तो ये सीकेंट हो गया। जब सर्कल को कोई लाइन ऑफ सेगमेंट आपको किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। जब कोई लाइन ऑफ सेगमेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, और इस जहां पर टच करता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। तो ये तीन चीजें आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद टेंजेंट हो गया, टेंजेंट की अलाइन डेफिनेशन आप लोग बुक से, चलो मैं लिख देता हूं, सीकेंट में कह रहा है अलाइन सीकेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। जैसे एक सर्कल और ये हमारा
ए और बी दो पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो ये हमारा ए बी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर आते हैं टेंजेंट की बात करते हैं, जहां पर ये पॉइंट मिलता है, जैसे ये है और ये हमने एक लाइन रखी, एक टच होकर निकल गई, यहां से टच होकर निकल गई, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हम लोग चलते हैं आपके क्लास 10th की है थ्योरम, उसको समझिए क्या है सीकेंट टेंजेंट, आपको समझ आई गया। इसके बाद एक थ्योरम और है, आप बढ़िया सा थ्योरम है, द टेंजेंट, ध्यान से देखना, कह रहे टेंजेंट जो है ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, देखो ये सर्कल है और ये उसका सेंटर है, और यहां पर ध्यान देखेंगे अगर हम एक लाइन पास करें टच कराते हुए, अब यहां जब कुछ ज्यादा लंबी हो गई टच कर गई है कई जगह, चलो हम यहां के ऐसे मानते हैं, ठीक है, तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगी, यहां से ये 90 डिग्री होगा, ये याद रखेंगे। प्रूफ करने के लिए प्रूफिंग इस सेशन में, मतलब इस साल इसका प्रूफ पूछा नहीं जा रहा है, बस इतना मालूम चलिए कि अगर ये रेडियस है और ये आपका टेंजेंट है तो OA इस पर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये स्टेटमेंट अच्छी तरीके से याद रखिए, और प्रूफ करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है इसका प्रूफ, देखें क्या है, अच्छा बताइए कितनी सारी रेडियस होंगी, ये सब रेडियस ही तो हैं, क्या है ये रेडियस ही तो हैं, है ना, ये इधर वाली नहीं है, है ना, ये रेडियस थोड़ी है, ये आपके रेडियस ही तो हैं, जहां टच कर रहे हैं, ये बताओ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है कहीं पर डालने के लिए, परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस होगी जो यहां पर टच करेगी सबसे छोटी होगी, नहीं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को तैयार रखेंगे, ठीक है, और यहां पर ये क्या है, इस चीज को बोलेंगे क्या, वही पुरानी चीज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये क्या आपका टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड एक चीज और है, टेंजेंट से, टेंजेंट से रिलेटेड एक चीज आपकी और बचेगी, वो क्या है ध्यान से देखेंगे, ठीक है, किसी भी सर्कल में दो टेंजेंट हैं वो पैरेलल हो सकते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, देखो ध्यान से, सर्कल है सेंटर है, अब यहां पर अगर हम क्या करें, टेंजेंट ड्रा करते हैं, ठीक है, ध्यान देखो नहीं टच किया, थोड़ा नीचे ले जाते, ठीक है, ये अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट ये किया, एक टेंजेंट ये किया, एक टेंजेंट ये किया, टच करके ले जाए, एक टेंजेंट ये ड्रा, ठीक है, एक टेंजेंट ये किया, बहुत सारे टेंजेंट कर सकते हो ना, ये वाला है ना, ये वाला कट गया, फिर से लेके जाओ यहां से जो टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो टू ही पैरेलल हो सकते हैं टेंजेंट में, पैरेलल की बात हो रही है ना, सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, भाई देखो ना ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपस में ये पैरेलल हो सकते हैं, और यहां पर थोड़ा सा और चीज ध्यान सकते हो, अगर लाइनें कई सारी खींची जाए, क्या चीज, लाइनें कई सारी रखी जाए, जैसे ये है, ये लो, ठीक, अब यहां बताओ कितने पैरेलल हैं टेंजेंट आपस में, टेंजेंट तो केवल यही दोनों है ना, ये वाली और ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इसको प्रूफ आपके यहां है नहीं अभी, तो कोई जरूरत नहीं है, केवल आप इतना समझेंगे कि सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो पैरेलल टेंजेंट आपके दो ही हो सकते हैं अगर एक तरीके से खींची जाती है, तो बाकी अगर किसी पॉइंट पूछ जाती है तो बहुत सारे टेंजेंट हम सर्किल पर ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट सर्कल पर टेंजेंट को ड्रा करा सकता है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों का
इंट्रोडक्शन पोर्शन यहीं पर कंप्लीट होता है 10.1 का। नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज 10.1 बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।